स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीक्वेंस में, जहां पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज ऑप्शन चार्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, NSE की साइट में डेटा नहीं दिख रहे हैं, तो इसी के कारण स्ट्राइक प्राइसेस से और डेटा निकालना और ऑप्शन चार्ट को देख के वोलेटिलिटी ऑप्शन एक्टिविटी रेंज निकालना आज पॉसिबल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी यही फ़ायदा है कि जब आप होलिस्टिक एनालिसिस करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं, तो आपके पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है जो कि हमारे पास आज भी है। तो ऑप्शन चार्ट डाटा भले ही ना हो, हम कैंडलस्टिक और टेक्निकल इंडिकेटर के साथ इसको एनालाइज ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रॉडली दोस्तों देखें तो मार्केट जो है अब लोअर हाइज और लोअर लोस का पैटर्न बनाने लगा है, तो एक चैनल आपको बनता दिख रहा है। इस लेवल पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट लोअर चैनल पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आपको एक अपटिक ज़रूर देखने को मिल सकती है। हालाँकि अब वो अपटिक जो है वो कन्फर्म तभी होगी जब मार्केट अपनी 8 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ऊपर क्लोज करे, तब डेफिनेटली आपको एक ऊपर की तरफ का पुश देखने को मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा ऊपर की तरफ का पुश नहीं है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा आप एक हल्की सी एक लाइन भी खींचे हाइस को ड्रॉ करती हुई, तो आपको दिख जाएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर के लेवल पे आपको थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकता है। तो ऐसे में क्या करें, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको देखने चाहिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले ज़्यादा दिमाग लगाए बिना अगर आप सिंपली देखें तो मार्केट जो है अपने एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास ज़रूर से थोड़ा बहुत उठता दिख रहा है। जैसे कि आप CCI को ऑब्जर्व करेंगे, इस लेवल पर आप देख सकते हैं कि CCI ने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन अपने एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फील किया, नीचे आ गया, वापस ऊपर गया तो ये एक सपोर्ट जोन बन गया, अगेन रेजिस्टेंस फील किया, नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था पहले भी सपोर्ट था और आज भी सपोर्ट है, लेकिन ये भी सजेस्ट करता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो जो एक्सपोनेंशियल एवरेज है, क्योंकि वहाँ पे 2 बार वो रुका है तो डेफिनेटली 1 बार भी ज़रूर से रुक सकता है। फर्दर अगर वो लेवल को ब्रेक करता है तो आपको इसमें फ्रेश अपों की तरफ का भी मूव रुझान या देखने को आपको मिल सकता है। सेम चीज़ आपको एक्सपोनेंशियल एवरेज के साथ आपको MACD में भी दिख जाएगी। 2 बार मार्केट ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस फील किया है और यहाँ पे गिरावट दर्ज करी है, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म मार्केट का जो व्यू है वो डेफिनेटली डाउन टर्म है, तो काफ़ी संभल के आपको ट्रेड करना चाहिए। RSI में भी आपको दिख जाएगा कि 2 बार उसने अपने एक्सपोनेंशियल लेवल को टेस्ट करा, नीचे के लेवल पे सपोर्ट बनाया, तो बहुत ही नैरो रेंज में आपको मार्केट ट्रेड करता दिख जाएगा और ग्रेजुअली जो है मार्केट नीचे की तरफ ही जाता यहाँ से दिख रहा है। लेकिन इमीडिएट जो मूव है वो क्योंकि चैनल में ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको लोस को जोड़ेंगे और हाइस को जोड़ेंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगी और वो चैनल बहुत ही बखूबी आपको काम देगी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में, तो उसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें। और उसके इंटरमीडिएट उसके अंदर अगर आपको ट्रेड लेना तो डेफिनेटली आप मूविंग एवरेज को देख सकते हैं। इसको समराइज़ करूँ तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि 10,223 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो आप इसमें ज़रूर से लॉन्ग जा सकते हैं। हालांकि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि DSI के ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो भी आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं, और मेरा ये मानना अभी भी बरकरार है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बिल्कुल जा सकता है। लेकिन एक इमीडिएटली यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस बनता दिखा है जो कि प्रीवियस कैंडल के रेजिस्टेंस के साथ और 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ में ज़्यादा दिख रहा है, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ तकलीफ दे सकता है। लेकिन ब्रॉडली यहाँ से मार्केट का जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म मूव है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ के आपको जो है 144 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 10,300 का लेवल है, जहाँ पे आपको कॉल राइटिंग भी देखने को मिली थी, वो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकता है। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, 10,300 के लेवल पे आके थोड़ा बहुत ये रुक सकता है और वापस यहाँ से फ्रेश डाउन मूव दिखेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर नीचे का मूव दिख रहा है, यहाँ पे भी आप इसको सेम वे में कंटिन्यू करके ही जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी के लिए। अब एक बार मैं बात कर लेता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो क्या मूव सजेस्ट कर रहा है और उसमें अगर आपको रेंज देखनी है तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आते हैं देखते हैं कि बैंक निफ्टी, आप देख सकते हैं कि 134 पॉइंट्स की बढ़त के साथ आज क्लोज हुआ है। हालांकि मेरा ये मानना है कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेरिशनेस है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 133 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे बनता दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर नीचे मार्केट जा रहा है और यहाँ पे भी CCI में एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास मार्केट रुक रहा है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आपको रेजिस्टेंस जो है वो दिख जाएगा। फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो आपका बनेगा वो बनेगा 24,560 के आसपास। अगर इससे ऊपर मार्केट जाता है तो डेफिनेटली फिर आप जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट यहाँ पे बनता देख सकता है वो बनेगा 24,000
यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,600 के आसपास का। लेकिन मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म मूव जो है मार्केट का, क्योंकि सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा 24,768 जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर सकता है। उसके अलावा 24,560 भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर आपको बनता दिख सकता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो 13 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये मार्केट को रोक रही है। उसके ऊपर मार्केट जब भी जाता है नीचे आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी सेम चीज़ एक्सपेक्टेड है। मार्केट एक बार ऊपर आएगा, अपनी 13 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, या तो उसके ऊपर क्लोज होगा और फाइनली अगर यहाँ से नीचे क्लोज होता है तो फिर फाइनली नीचे की ओर जाएगा। तो काफ़ी सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। मूविंग एवरेजेस को मैं काफ़ी मानता हूँ, फिबोनाची नंबर्स को मैं काफ़ी ट्रेड में यूज़ करता हूँ और इसी के हिसाब से मैं मार्केट में ट्रेड लेता हूँ। हालांकि सिंपली वे में अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है, हाइस को जोड़े, लोस को जोड़े, चैनल आपको जो पैटर्न बनता है उसमें डेफिनेटली आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड मिल जाएंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ मार्केट में कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंसाइट मिला होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं सीवी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, कैंडलस्टिक, मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑप्शन चार्ट डाटा, फ्यूचर चार्ट, फ्यूचर का डाटा, काफ़ी सारी चीज़ें मैं कंसिडर करके ट्रेड करता हूँ। और मैं बेसिकली जो मुझे पीछे मार्केट ने प्रीवियस टाइम फ्रेम में मुझे देखने को मिला है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसी को मैं ज़्यादा लेके होलिस्टिकली और हार्मोनाइज करके चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप भी उसको सीख सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ भी हम नया जब सीखते हैं तो हमें काफ़ी जल्दीबाजी हम करने की सोचते हैं, तो ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा। ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, चीज़ों को सीखिए, अंडरस्टैंड करिए, पेपर ट्रेड करिए। अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलते हैं तो भी थोड़े थोड़े अमाउंट से ट्रेड करना चालू करिए। अब जब आपको बिल्कुल कंफर्ट आ जाता है तो भी आप इसमें थोड़ा अच्छा निवेश करके ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मार्केट अगर इतना ही सिंपल है तो सारे लोग इसी में ट्रेड क्यों नहीं करते, क्यों लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं। हालांकि 9 to 5 जो है वो फॉरेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो 9 to 9 की ही जॉब होती है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आपके साथ एक चीज़ ये शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ भी, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, आपको इसके लिए एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। मैंने जो आपको चीज़ बताई ये आपको मैंने वे आउट बता दिया, अब आप उसको कितना ब्यूटीफुली आप एनालाइज करते हैं, कैसे आप कॉल्स बाय सेल जनरेट करते हैं वो आप पे। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो काफ़ी एक्टिवली ट्रेड करते हैं और मुझसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं और मुझसे ज़्यादा भी पैसे कमाते हैं। तो डिपेंड करता है दोस्तों, आइडिया किसी का भी हो उसको आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ आप कैसे एक्सपेरिमेंट करके उसको और बेटर करते हैं वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। तो आप भी चाहें तो उसको ट्वीक कर सकते हैं और अपने हिसाब से ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हों तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा वीडियो उसमें शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कॉमेंट, क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिए। थैंक यू।